हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको पता है, ESB ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है माध्यमिक शिक्षक, जो कि अगस्त में प्रस्तावित है। दोस्तों, यहां पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें वो सितंबर में प्रस्तावित है। और जो है पेपर आउट ना हो उसके लिए विशेष एहतियात बरती जा रही है, उसी संबंध में ये अपडेट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी तक नोटिफिकेशन वर्ग दो का जारी नहीं किया गया है, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि सिलेबस कहाँ से कम्प्लीट करें। हालाँकि बहुत से भाई बहनों ने जो वर्ग दो का पुराना सिलेबस है वो कम्प्लीट कर लिया है। विषय वस्तु है अधिकांशता वही रहनी है, जहाँ पर आप देखेंगे कि गणित की बात करें तो संख्या पद्धति और ये सब दोस्तों, विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर विषय वस्तु ये सब दी गई है। सेम सामाजिक विज्ञान का विषय वस्तु सिलेबस दी गई है। ये पुराना सिलेबस है लेकिन इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होना है। तो बहुत से भाई बहनों ने ये सिलेबस जो है कम्प्लीट कर लिया है, और जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उन लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। अब सिक्योरिटी को लेकर ESB ने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता बनाने के लिए टेक्निकल कंट्रोल रूम तैयार करेंगे कर्मचारी चयन मंडल। परीक्षा की सिक्योरिटी के लिए तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत एजेंसी को लिया जाएगा सहारा। पूरी अपडेट देखते हैं दोस्तों, तो प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता बनाने के लिए कर्मचारी चयन मंडल अब बड़ा नवाचार करेगा। प्रत्येक परीक्षा की राज्य स्तर पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। यहाँ पता चल जाएगा कि किस केंद्र पर परीक्षार्थी क्या गतिविधियां हैं। इसके लिए देश की चुनिंदा टेक्निकल एजेंसियों को सहारा लिया जा रहा है। कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षा में जिस नई पद्धति को तैयार करने जा रहा है उसमें कलेक्टरों की कनेक्टिविटी भी रहेगी। अगर हम किसी केंद्र पर कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो स्टेट कंट्रोल रूम बैठे अधिकारियों के साथ कलेक्टर को भी तत्काल पता चल जाएगा। कुछ ही क्षणों में स्थानीय प्रशासन संबंधित परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई के लिए पहुंच जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे तो जो कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, उनका भी वक्तव्य आया कि हम तकनीक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एजेंसियों को परीक्षा काम कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए निवेदन जारी की गई है। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम तैयार करेंगे। इसकी कनेक्टिविटी कलेक्टर से भी रहेगी दोस्तों। कुल मिलाकर जो आपकी एग्जाम होंगे उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जिससे जो पेपर है वो किसी भी तरह से आउट ना हो और पारदर्शिता के साथ आपके एग्जाम कराए जा सके। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।